हेलो 8th क्लास स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। द क्लोथ विच आर वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक। हमने बहुत सारे फैब्रिक्स के कपड़े पहने हैं। फैब्रिक्स आर द मेड फ्रॉम द फाइबर ऑब्टेन ऑन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। कुछ फाइबर होते हैं जो नेचुरल होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज होते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर, क्या नाम बता सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी 6th या 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। फाइबर्स आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी हाउस होल्ड आर्टिकल्स। बहुत सारी हमारी ऐसी चीज़ें भी हैं हाउस होल्ड आर्टिकल्स में जो कि आर्टिफिशियल फाइबर्स की बनी हुई है। मेक ए लिस्ट सम ऑफ कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर, ट्राई टू सेपरेट देम इंटू दोज मेड फ्रॉम द नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम द आर्टिफिशियल फाइबर। हम 3.1 के अंदर इसी तरह की को एक लिस्ट बना सकते हैं जो आर्टिफिशियल आर्टिकल हैं जो आर्टिफिशियल फाइबर्स की बनी होती हैं, जिसमें हमारे प्लास्टिक के जितने भी हमारे घरेलू सामान हैं वो सारे आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं। Why did you label from fiber as a artificial? You have read in your previous class natural fiber like cotton, wool, silk, etc. Natural fiber हम cotton, wool और silk के बारे में 6th और 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। The obtained from the plant or animal, जो कि दोनों ही हमें plant और animal से मिलते हैं। The synthetic fiber on the other hand and made from human beings, और synthetic fiber वो होते हैं जो human beings अपने हाथों से बनाते हैं। That why these आर कॉल्ड सिंथेटिक मैन मेड फाइबर्स, जिनको सिंथेटिक मैन मेड फाइबर्स बोला जाता है। वाट आर द सिंथेटिक फाइबर्स, ट्राई टू रिकॉल यूनिफॉर्म पैटर्न फ्रॉम द नेकलेस बीड्स ऑफ जॉइंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। हम नेकलेस के बीड्स होते हैं वो भी एक जो उसके जिस धागे में बनाए जाते हैं नेकलेस को, वो भी सिंथेटिक फाइबर होता है। जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप, जिस तरह की ये पेपर क्लिप को हम ऐड करते हैं, उन पेपर्स को ऐड जोड़ा जाता है एक लॉन्ग चेन के अंदर, वो भी एक सिंथेटिक फाइबर ही होता है। सिंथेटिक फाइबर आल्सो ए चेन स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर को एक चेन के रूप में जॉइन किया जाता है, आपस में एक इसमें छोटी छोटी यूनिट होता है उसी के अनुसार उनको जोड़ा जाता है। ईच ए स्मॉल यूनिट एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस, ये एक केमिकल के द्वारा बनाया जाता है। Many such small unit come. Many such small unit combine to form a large single unit called a polymer. एक single unit को तैयार करके एक large single unit बनाई जाती है, यानी एक छोटे से chemical से बड़ी एक chemical पॉलीमर बनाया जाता है। सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है जिसको पॉलीमर कहा जाता है। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक, ये ग्रीक भाषा के दो वर्ड से बना हुआ है। पॉली मीनिंग मैनी, पॉली का मतलब मैनी होता है, और मर का मतलब होता है पार्ट या यूनिट, यानी उनको भागों में अलग अलग भागों में तोड़ना। सो ए पॉलीमर इज ए मेड मैनी प्रिंटिंग यूनिट, उन्हीं पॉलीमर को मेड तैयार किया जाता है एक यूनिट के अंदर। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, अब क्या टाइप्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। यू हैव रीड इन क्लास 7th डेट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर्म डिस्कवर्ड द चाइना एंड वाज कैप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम। सिल्क वॉर्म का डिस्कवर किया था, यानी खोज की थी, जो सिल्क फाइबर है उसमें जो सिल्क वॉर्म नाम के एक कीड़े से बनाया जाता है, इसकी खोज चाइना में काफ़ी टाइम पहले एक गार्डन के अंदर की गई थी। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क फाइबर वेरी कॉस्टली, सिल्क फाइबर जो होता है वो वेरी कॉस्टली होता है, बट ए ब्यूटीफुल टेक्सचर, लेकिन सबसे सुंदर लगने वाला फाइबर होता है। अटेम्प्ट्स वेयर मेड फ्रॉम द मेक सिल्क आर्टिफिशियली, कुछ सिल्क होते हैं जो आर्टिफिशियली होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं और कुछ एनिमल्स के द्वारा। टू वर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के अंदर इनको तैयार किया जाने लगा। साइंटिस्ट वी आर सक्सेसफुल ऑब्टेनिंग फाइबर हैविंग ए प्रॉपर्टी सिमिलर दैन ऑफ सिल्क। साइंटिस्ट
सक्सेस हो गए उस फाइबर को बनाने के लिए, जो सिल्क, जो कि एक सिल्क वॉर्म धागे से बनाया, जिस सिल्क वॉर्म नामक कीड़े से बनाया जाता है उसी की तरह है, अब सिल्क साइंटिस्ट बनाने लगे हैं केमिकल के द्वारा। सच ए फाइबर ऑप्टेन बाय द केमिकल ट्रीटमेंट वुड प्लप नाम के एक ट्रीटमेंट के जरिए। दिस फाइबर वाज द कॉल्ड रेयन, जिसको रेयन या और आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। थ्रू द रेयन इज द ऑप्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड प्लप येट ए मैन मेड, ये एक मैन मेड है जो कि वुड प्लप के जरिए बनाया जाता है। चीपर दैन सिल्क, ये सिल्क से चीपर रेट यानी कम दाम में, वूवन लाइक और सिल्क फाइबर से कम दामों में मिलता है। इट कैन आल्सो डाइड इन द वेराइटी ऑफ कलर, और फिर इनको डाई किया जाता है अलग अलग रंगों में। रेयन इज़ द मिक्सड विद द कॉटन मेक बेडशीट एंड मिक्सड विद वूल एंड मेक कारपेट, ये कारपेट में मिक्स होता है और बेडशीट में भी मिक्स होता है रेयन। सेकेंड है नायलोन। नायलोन इज़ द अनदर मैन मेड फाइबर, एक और मैन मेड फाइबर है। इन 1931 के अंदर इसकी खोज बनाना शुरू किया था। इट वॉज़ मेड विदाउट यूजिंग में नेचुरल रॉ मटेरियल, इसको विदाउट रॉ मटेरियल नेचुरल, इसमें कोई नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं होता है, ना प्लांट का ना एनिमल का। इट वॉज़ प्रिपेयर फ्रॉम कोयला वाटर एंड एयर, इसको कोयला वाटर और एयर से बनाया जाता है। इट वॉज़ वेरी फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ये फर्स्ट फुली पूरी तरह से एक सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लाइट, इससे इलास्टिक और लाइट बनाए जाते हैं। इट वाज ए लेजर एंड इजी टू वॉश, इसको इजीली वॉश भी किया जा सकता है। इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ, ये क्लॉथ में भी वेरी पॉपुलर है। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द नायलॉन, इसके बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। सच ए सॉक्स, रॉप्स यानी रस्सियाँ, टेंट का सामान और टूथब्रश, ईयर शीर, बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स और कर्टेन्स एक्सेट्रा, इनसे बनाए जाते हैं। नायलॉन इज डू सिंथेटिक फाइबर शॉक लेस मोर द वाटर नेचुरल फाइबर, ये नेचुरल फाइबर की तुलना में क्या सही है। डू दे लेस मोर दे टाइम ऑफ ड्राई, और ये कम टाइम भी लेते हैं सूखने में। वट डज द एक्टिविटीज टेल यू अबाउट द कैरेक्टर सिंथेटिक फाइबर्स, क्या विशेषताएँ हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्लास्टिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।